अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सबसे विश्वस्तीय अगर धोखा देने पर उतर आए तो क्या कहेंगे, नेपाल इस समय यही कर रहा है। चीन की शह पर नेपाल जिस तरीके से भारत विरोध पर उतर आया है, भारत के तीन क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करके एक जो संविधान संशोधन प्रस्ताव था वहां की नेशनल असेंबली ने पारित कर दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि नेपाल का जो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व है वो भारत के साथ जो नेपाल के सांस्कृतिक संबंध है, पौराणिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, रोटी बेटी का जो रिश्ता है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं और इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। ये बात नेपाल का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व समझ नहीं रहा है। आप किसी भी संप्रभु देश के तीन हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करके क्या दिखाना चाहते हैं? आपने अपने नक्शे का नया प्रिंटआउट निकाल के उसको दीवार पर टांग लिया तो क्या वो तीनों क्षेत्र आपके हो गए? ऐसा नहीं होता। देखिए, भारत जैसी ताकत, भारत जैसा संप्रभु राष्ट्र इन सब चीजों को कभी बर्दाश्त कर नहीं सकता है। हालांकि भारत ने नेपाल को हमेशा छोटे भाई की तरह माना है, उसके हर दुख सुख में साथ खड़ा रहा है, उसकी हर जरूरत को पूरा किया है। सीमाएं हमारी कभी नेपाल के लिए बंद ही नहीं रही, द्वार 24 घंटे खुले रहे। उसके बाद ये हरकत, आज बड़ा दुख हुआ जब नेपाल की नेशनल असेंबली ने जो राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा है नेपाल का, उसमें भारत के तीन क्षेत्रों को शामिल करने के प्रस्ताव को, संविधान संशोधन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। भारत ने शनिवार को नेपाल के मानचित्र में बदलाव करने और कुछ भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को नेपाली संसद के निचले सदन में पारित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह कृत्रिम विस्तार साक्ष्य और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह मान्य नहीं है। लेकिन नेपाली संसद के ऊपरी सदन यानी नेशनल असेंबली ने संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक में नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया है। सभी 57 मौजूदा सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाकों पर दावा किया गया है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव पैदा हो गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि यह सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया कि यह सड़क पूरी तरह उसके भूभाग में स्थित है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने पिछले हफ्ते संसद को बताया कि लिपुलेख की नई सड़क देश की संप्रभुता को कमजोर करती है। नेपाल की सीमा काली नदी के उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा से शुरू होती है। भारत के साथ नेपाल की सीमा का निर्धारण 1816 की सुगौली की संधि द्वारा हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत ने 1997 में कालापानी और सुस्ता में सीमाओं को अनसुलझा माना था। कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लिपुलेख तक सड़क बनाने से बौखलाए नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद सीमा पर सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। बुधवार को नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष पूर्ण चंद्र थापा और नेपाल सशस्त्र प्रहरी के आईजी शैलेंद्र खनाल नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से भारतीय कस्बे धारचूला के पार नेपाली कस्बे दारचूला पहुंचे। यहां से दोनों अधिकारियों ने नेपाल के छांगरू स्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरी की पोस्ट का निरीक्षण किया। भारतीय सीमा के निकट छांगरू में यह बॉर्डर आउटपोस्ट नेपाल ने हाल ही में स्थापित किया है। नेपाल में सेना की इस तरह से गतिविधियां बढ़ने के बाद नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात भारत की SSB ने भी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। नेपाल द्वारा कालापानी लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दर्ज करने के बाद से नेपाल की इस पोरस सीमा पर सेना, ITBP और SSB अधिक मुस्तैदी के साथ सुरक्षा में जुटे हैं। भारतीय जवान नदी क्षेत्र में कॉम्बिंग कर हर गतिविधि पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले ही लिपुलेख विवाद के शुरू होने के बाद नेपाल के दारचूला जिले के CDO यदुनाथ पौडेल ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से 7 दिनों के लिए नेपाली नागरिकों को पैदल रास्ते से गुजरने की छूट देने की मांग की थी। यह मांग ऐसे समय की गई थी जबकि भारत और नेपाल के बीच अति महत्वपूर्ण लिपुलेख सड़क बनने पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
दरअसल नेपाल के उच्च हिमालयी इलाके में तिंकर और छांगरू गांव में 300 के करीब परिवार रहते हैं, जो सर्दियों के सीजन में काली नदी में बने सीता पुल से भारत में दाखिल होते हुए नेपाल के दार्चुला जिले में प्रवेश करते हैं। शीतकाल के दौरान ये लोग दार्चुला जिले के गंगा बगड़ और मोती बगड़ में प्रवास के लिए आ जाते हैं। लॉकडाउन होने के चलते इस बार ये लोग भारत नहीं आ पा रहे हैं, जबकि अप्रैल से हर साल ये लोग अपना शीतकालीन प्रवास पूरा कर अपने मूल गांव तिंकर और छांगरू लौटना शुरू कर देते हैं। लॉकडाउन में दोनों देशों की सीमाओं पर आवाजाही के बंद होने के चलते ही इस बार इन गांवों के लोगों की स्वच्छंद आवाजाही रुकी थी। इसी दरमियान भारत नेपाल के बीच लिपुलेख और उससे लगे क्षेत्र को लेकर पैदा हुए विवाद से इन लोगों के भारत के सुरक्षित रास्ते से लौटना कठिन हो गया था। नेपाल के भीतर से सीतापुल तक जाने का रास्ता भूस्खलन के कारण खतरनाक बना हुआ है। इसी कारण नेपाली प्रशासन चाहता है कि भारत के सुरक्षित रास्ते से दो गांवों के लोगों को ऊपरी इलाकों में जाने की छूट मिले। ऐसे में अब जबकि नेपाल ने भारत के कुछ गांवों समेत कालापानी, लिपुलेख और लिब्याधुरा को भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, उसने छांगरू में भी नेपाल प्रहरी की एक आउटपोस्ट शुरू की है। इसी आउटपोस्ट के निरीक्षण के बहाने नेपाल के सेनाध्यक्ष ने नेपाल प्रहरी के आईजी के साथ भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने का यह दौरा ऐसे वक्त में किया जबकि भारत और चीन के सैनिकों में लद्दाख की गलवान घाटी के संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मृत्यु हो गई। भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। अब एक तरफ नेपाल अपने जो नया नक्शा ला रहा है, दूसरा तरफ वो बॉर्डर पर जाके जो नेपाली जो सेना के प्रमुख हैं वो जाकर दौरा कर रहे हैं, तो क्या दर्शाता है? देखिए, नेपाल डर पैदा करना चाहता है क्या भारत के मन में? ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन नेपाल को थोड़ा सा अपने जो उसकी सेना का आकार है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, इतना ही कहा जा सकता है।